नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्षुर, आप देख रहे हो प्रोएक्टिव टेक्निकल। और आज के वाले वीडियो एकदम खास होने वाला है, और खास होने वाले क्रिएटर्स के लिए जो कि अपनी वीडियो को शूट करते हैं और अब से वो चाहते हैं कि अपनी वीडियो को शूट करूं मैं रियर कैमरा की मदद से, यानी कि रियर कैमरा से शूट करूं अपने आप को फ्रेम में रखते हुए। तो इस वाली वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने रियर कैमरा से खुद को शूट करोगे फ्रेम में रखते हुए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैसे हम फ्रेम के अंदर अपने आप को शूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे आसान ऑप्शन है वो है हमारा फ्रंट कैमरा। आप सभी जानते हो फ्रंट कैमरा से अगर हम वीडियो बनाएंगे तो अपने आप को फ्रेम के अंदर इजीली रख सकते हैं और वीडियो को शूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा को हम स्किप इसलिए कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉब्लम्स है वो ये है कि क्वालिटी हमें काफ़ी अच्छी देखने को नहीं मिलती है। इसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि जो सेंसर होता है फ्रंट कैमरा के अंदर वो इतना अच्छा नहीं होता है, बजाय कि अगर हम उसे कंपेयर करते हैं रियर कैमरा से, तो यहाँ पर रियर कैमरा के अंदर काफ़ी अच्छा सेंसर होता है, तो इसी वजह से क्वालिटी भी रियर कैमरा काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पर अगर हम इसे स्किप करते हैं, फ्रंट कैमरा वाले ऑप्शन को स्किप करते हैं, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम रियर कैमरा से शूट करें और रियर कैमरे के पीछे यानी कि जहाँ पर हमारी स्क्रीन है वहाँ पर हम एक शीशा लगा दें, एक मिरर लगा दें, जिससे कि हमें आइडिया हो जाए कि हम कितने फ्रेम के अंदर आ रहे हैं, यानी कि पीछे जा कर के हम देख सकें, पीछे जा कर के हम देख सकें कि कितने हम फ्रेम के अंदर आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं उस शीशे की मदद से, और उसमें देख करके हम शूट कर सकते हैं। तो ये भी एक चैलेंजिंग सा तरीका है, इसमें भी काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ आती है काफ़ी सारे लोगों के सामने। तो यहाँ पर सबसे जो आसान तरीका है वो है तीसरा तरीका जिसकी हम बात करते हैं, जिससे आप रियर कैमरा से शूट भी करोगे, अपने आप को फ्रेम में भी रखोगे, अच्छी क्वालिटी भी आएगी और इतने चैलेंजेस नहीं आएंगे सामने और हम बड़े ही आसानी से शूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है स्क्रीन मिररिंग का, स्क्रीन मिररिंग या फिर हम कह सकते हैं अपनी स्क्रीन को कास्ट करना। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन है, अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हो और आप अपने दूसरे स्मार्टफोन को कास्ट करना चाहते हो तो काफ़ी सारी ऐसी ऐप्स हैं जिसके थ्रू आप कास्ट या मिरर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हो और अपने विंडोज़ पीसी के अंदर करना चाहते हो कास्ट, तो आप विंडोज़ के कनेक्ट फीचर की मदद से कास्ट कर सकते हो, स्क्रीन मिररिंग कर सकते हो। बस सिंपली आपका जो पीसी है और आपका जो फ़ोन है उन दोनों को एक ही नेटवर्क पर होना है, यानी कि एक ही वाईफाई पर होना है। उसके लिए आप अपने स्मार्टफोन के हॉटस्पॉट का भी यूज़ कर सकते हो, हॉटस्पॉट ऑन करके वाईफाई से अपने पीसी को या लैपटॉप को कनेक्ट करो, जिससे कि आप स्क्रीन कास्ट या मिरर कर सकते हो। और ऐसे में अगर आपके पास आईफोन है और आप चाहते हो अपनी स्क्रीन को कास्ट करना, अगर आपके पास मैकबुक भी है तो आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन आईफोन के साथ में अगर आप विंडोज़ को करोगे तो यहाँ पर एक ऐप है ए पावो मिरर। और ए पावो मिरर जो ऐप है उसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये हमें तीनों ही प्लेटफॉर्म्स के लिए देखने को मिलती है, यानी कि ये हमें विंडोज़ पर भी देखने को मिलती है, साथ ही में iOS पर भी और एंड्रॉयड के अंदर भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर आप अपने आईफोन को कनेक्ट करना चाहते हो विंडोज़ के साथ में, अपने आईफोन को एंड्रॉयड फ़ोन के साथ में कनेक्ट करना चाहते हो, या फिर आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को मैकबुक के साथ में, या फिर किसी भी तरह की कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर एक दूसरे से मिररिंग करना चाहते हो, तो यहाँ पर ए पावो मिरर ये वाली जो ऐप है ये आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। और ऐसे के अंदर आप करोगे क्या, सिंपली उस ऐप को दोनों ही आपके जो डिवाइसेस है उनके अंदर ओपन करके अपने स्मार्टफोन को आप ट्राइपॉड पर रख सकते हो, और उसके बाद अपने दूसरे फोन के अंदर या फिर दूसरे लैपटॉप के अंदर जहां पर भी जो दूसरा डिवाइस है जिसको आपने कनेक्ट किया है उसके अंदर देख सकते हो कि आप कितने फ्रेम के अंदर आ रहे हो, उस हिसाब से आप अपने ट्राइपॉड को या फिर अपने फोन को इधर उधर एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आप अपना एक जो दूसरा फ़ोन है उसको वहाँ पर रखते हुए आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि कितना मैं फ्रेम में आ रहा हूँ, और बड़े ही आसानी से उसके अंदर देखते हुए आप अपनी वीडियो शूट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो इसके लिए हमें इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, हमें बस अपने हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना है वाईफाई के थ्रू अपने पीसी को, यानी कि जिस स्मार्टफोन की स्क्रीन को आप कास्ट करना चाहते हो उसका आपको हॉटस्पॉट ऑन करना पड़ेगा, और जहां पर आप देखना चाहते हो उसको वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर मैं अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को देखना चाहता हूं पीसी के अंदर, तो मुझे यहां पर अपने स्मार्टफोन का हॉटस्पॉट ऑन करना पड़ेगा, और ठीक ऐसा ही एंड्रॉयड, iOS, विंडोज सभी प्लेटफॉर्म पर हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जाना होगा ए पावो मिरर के अंदर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्मार्टफोन के अंदर भी ये ऐप खुल चुकी है और यहाँ पर पीसी के अंदर भी। यहाँ पर वीआईपी यूज़र अगर आप लेना चाहते हो तो ये आपके ऊपर है, लेकिन हमारा जो काम है वो इससे भी चल जाएगा। तो हम कंटिन्यू ट्रायल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है एंड्रॉयड, iOS और टीवी के, तो हम क्लिक करेंगे iOS पर क्योंकि मेरे पास iOS है।
तो यहाँ पर आप एंड्रॉयड पर भी कर सकते हो। iOS पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर सिंपल इंस्ट्रक्शन हमारे पास आ चुकी है कि हमें क्या करना है। तो यहाँ पर हमें अपना जो हॉटस्पॉट है वो ऑन करना है। तो यहाँ पर आईफोन के अंदर ऐसा होता है कि हम बिना इंटरनेट कनेक्शन ऑन किए हॉटस्पॉट ऑन नहीं कर सकते, लेकिन एंड्रॉयड के अंदर हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन ऑन करना पड़ेगा, लेकिन जो इंटरनेट है वो हमारे यूज होने वाला है नहीं। तो यहाँ पर मैंने हॉटस्पॉट ऑन कर दिया और यहाँ पर अपने जो हॉटस्पॉट है उसको मैं कनेक्ट करूंगा अपने पीसी के साथ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरा स्मार्टफोन है वो कनेक्ट हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर जिस तरह की इंस्ट्रक्शन है सिंपली हमें वही फॉलो करनी है। आप देख सकते हो स्क्रीन मिररिंग और ये आ चुका है ए पावर सॉफ्ट डेस्कटॉप करके जो हमारे पास आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं स्क्रीन मिररिंग होना शुरू हो चुकी है। तो आप देख सकते हो जो जो मैं अपने स्मार्टफोन के अंदर चलाऊंगा वही ठीक लगभग थोड़ी सी डिले के बाद हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो और ऐसे ही हम अपने कैमरा को ऑन करके, आप देख सकते हो ये रियर कैमरा है, इसको ऑन करके और ठीक ऐसे ही हम अपने कैमरा को ऑन करेंगे और अपने ट्राइपॉड के ऊपर रख देंगे जिससे हमें फ्रेम का अंदाजा हो जाएगा। तो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने कैमरा ऑन कर दिया, ये मेरा रियर कैमरा है। आप देख सकते हो ये फ्रंट कैमरा यहाँ पर ये है, आप देख सकते हो। और इसी ऐप की मदद से आप बड़े ही आसानी से अपने फ्रेम का अंदाजा लगा सकते हो। यहाँ पर कैमरा पे मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ, ये रियर कैमरा जो स्मार्टफोन का है वो ऑन हो चुका है। आप देख सकते हो इस तरह से आप फ्रेम का अंदाजा लगा सकते हो कि ट्राइपॉड के ऊपर जब आपका स्मार्टफोन रखा हुआ है तो आपको किस तरह का दिखाई देगा। आप देख सकते हो इस तरह से कुछ लैंडस्केप के अंदर भी ये हो गया है। साथ ही में मैं अगर इसको पोर्ट्रेट मोड पे करता हूँ तो यहाँ पर ये स्विच हो जाएगा। साथ ही में यहाँ पर आप वीडियो के अंदर जा करके भी इस तरीके से शूट कर सकते हो। यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ पर अगर मैं फ्रंट कैमरा की बात करता हूँ तो फ्रंट कैमरा भी हमें इस तरह से देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हो ऐसे ही हम अपने रियर कैमरा का यूज़ करके अपने फ्रेम को एडजस्ट कर सकते हैं अपने पीसी में देख करके या फिर अपने स्मार्टफोन में देख करके। तो ये वाली ऐप काफ़ी यूजफुल होने वाली है। तो दोस्तों बड़े ही आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर जो वोटर मार्क है आप देख रहे होंगे, ये वोटर मार्क हमें देखने को मिलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो हमें यहाँ पर वोटर मार्क देखने को मिल रहा है ये हमें देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो VIP है, जो सब्सक्रिप्शन है इसकी, वो अवेलेबल नहीं है। इसी वजह से ये हमें वोटर मार्क देखने को मिलता है। यहाँ पर हम स्क्रीन भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, अगर रिकॉर्ड हो भी जाती है तो यहाँ पर वोटर मार्क आएगा। साथ ही हम इसको एनलार्ज भी नहीं कर सकते, ये कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन हम काफ़ी अच्छे से अपना काम चला सकते हैं, अपनी फ्रेम को ठीक तरीके से ठीक ढंग से एडजस्ट करके अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों बस यही था आज वाली इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज लेकर के आता रहता हूँ।